मुंबई सागा बॉक्स ऑफिस का लंबे समय से चला आया सूखा खत्म करने में कामयाब होती नजर आ रही है। फिल्म ने पहले दिन जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है उसने सबका दिल खुश कर दिया है। फिल्म को सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक में जनता का अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी एक्साइटिंग है और उम्मीद की जा रही है कि रात के आखिरी शो तक फिल्म और ऊपर जाएगी। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक पहले दिन शाम के शो तक करंट बुकिंग और एडवांस बुकिंग को मिलाकर फिल्म करीब 3.75 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी है। अभी अगर इसमें रात के शो के बिजनेस को भी जोड़ दिया जाए तो पहले दिन की कुल कमाई का आंकड़ा 5 से 6 करोड़ के बीच आराम से जा सकता है। यानी बॉक्स ऑफिस की अर्ली प्रिडिक्शंस के मुताबिक मुंबई सागा फर्स्ट डे का कलेक्शन 5 करोड़+ अप्रोक्स मानकर चला जा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो मुंबई सागा पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म रूही से पहले ही दिन डबल बिजनेस करने वाली है। मुंबई सागा के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के इन आंकड़ों ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की चकाचौंध बिखेर दी है। कोरोना के बीच फिल्म का इतना बिजनेस कर जाना एक अच्छे ट्रेंड के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऑडियंस की फुटफॉल ऐसी ही चलती रही तो फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्में जल्द ही पहले दिन 20 से 30 करोड़ का बिजनेस भी देख सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान की राधे, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, ये तमाम फिल्में अप्रैल मई में इसी उम्मीद पर शेड्यूल है ताकि उस समय कलेक्शन अच्छी तरह हो पाए। जाहिर तौर पर मुंबई सागा के फर्स्ट डे कलेक्शन के ट्रेंड्स इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पब्लिक अब थिएटर में अच्छी फिल्मों का मजा लेने के लिए तड़प रही है। कोरोना की वजह से पिछले एक साल से फिल्मों का थिएटरिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसकी वजह से काफी बेरोजगारी भी फैली थी। अब मुंबई सागा जैसी फिल्म जिसे लेकर शुरुआत में बहुत ज्यादा बज नहीं था लेकिन धीरे धीरे उसने जबरदस्त बज क्रिएट की और अब इसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारोबार कर डाला है कि लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लिहाजा ये बात गौर करने वाली है कि इससे फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा टाइम जल्द लौटने के संकेत और मजबूत हो गए हैं। हालांकि मुंबई सागा के इस अच्छे कलेक्शन के लिए इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम की एक्टिंग की तारीफ के साथ साथ फिल्म को थिएटर के लेवल का बनाने के लिए संजय गुप्ता की भी खूब तारीफें होनी चाहिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।